दोस्तों, अगर आप भी लेना चाहते हो ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड तो आज की इस वीडियो में एकदम हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और यहाँ पे इसके कुछ सीक्रेट बेनिफिट्स बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। और ऐसे मैं 3 से 4 तरीके बताऊंगा जो कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्निंग कर सकते हो, जो कि पूरे यूट्यूब में आपको यहाँ पे कोई नहीं बताएगा। विथ लाइव प्रूफ के साथ हम बात करेंगे उस बेनिफिट की, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो इसके लिए वीडियो का हर एक पार्ट आपको एंड तक देखना है। और ये देख सकते हो एकदम पूरा का पूरा यहाँ पे पैक है और आपके सामने हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो डीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड जो कोटक की तरफ से हमें मिला है, ये दोस्तों ना ही किसी इनकम प्रूफ पे मिला है, ना ही किसी सैलरी स्लिप पे मिला है। ये कुछ आपसे नहीं लेते हैं और ये जो है सिर्फ आपको FD बेस पे देते हैं। ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। आपको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के साथ बेनिफिट नहीं पता तो मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा और ये ज़रूरी क्यों है वो भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मेन बेनिफिट की, हिडन बेनिफिट की, और बाकी बेनिफिट तो आप इसके वेबसाइट में जाके देख सकते हो या फिर किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख सकते हो, हर जगह आपको मिल जाएगा कि कितना यहाँ पे आपको कैशबैक मिलने वाला है। वो सारी ही चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, कहीं भी पता चल जाएंगी, उसके लिए वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो हिडन बेनिफिट है मैं आपको वो यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो इसकी जो यहाँ पे लिमिट स्टार्ट होती है, FD की बात आती है तो FD आपको कितनी करानी है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 5,000 रुपये की मिनिमम FD करानी है। और अभी यहाँ पे इस टाइम पे इनका जो इंटरेस्ट रेट है FD पे जो आपको मिलेगा वो 6% का मिलेगा। पहला बेनिफिट तो ये है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 6% आपको मिल रहा है। अब बात करें इसकी लिमिट कितनी है, तो इसकी लिमिट मिलेगी आपको दोस्तों यहाँ पे 90% की यहाँ पे लिमिट मिलेगी जिसका आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो मेन बेनिफिट होता है इस कार्ड का, क्योंकि एक बैंक के तरफ से आपको इश्यू होता है तो यहाँ पे सिविल पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और यहाँ पे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, इसका मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं होगा कि आप डिफ़ॉल्टर हो जाओगे, बिकॉज ये एक सिक्योर्ड है, आपके FD के लिमिट के ऊपर वो जाएगा ही नहीं। दोस्तों अक्सर क्या होता है, हम जब भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेते हैं इनकम प्रूफ के बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे, तो कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हम पेमेंट नहीं कर पाते, उसके बाद हमें एक टाइम के बाद सेटलमेंट करना पड़ता है और उसके वजह से लाइफ टाइम के लिए हमारा सिविल स्कोर पूरी तरीके से ख़राब यहाँ पे हो जाता है, तो ये अच्छा है। दूसरी चीज़ है दोस्तों इसका, मैंने पर्सनली क्यों लिया अगर मैं आपको इसको बताऊँ यहाँ पर, तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें कुछ परचेज करता हूँ तो यहाँ पे अगर मेरे को एक पूरा अमाउंट देना पड़ता है तो वो थोड़ा सा मतलब कि मैं उसको इग्नोर करता हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि मेरे को 6% का रिटर्न मिल रहा है साल का। सबसे बड़ा दूसरा जो बेनिफिट है कि इसके थ्रू मैं कोई भी चीज़ें नो कॉस्ट EMI में ले सकता हूँ, जो कि अच्छा मिलता है। फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में भी ऑफ़र रहता है कि जिसमें मैं कोई भी चीज़ डिस्काउंटेड प्राइस पे, पहले तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे आपको हर हमेशा मतलब ज़्यादातर टाइम पे जब भी कोई भी ओकेज़न आता है आपको 10% का डायरेक्ट कैशबैक मिलता है, 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है दोस्तों कि 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है नो कॉस्ट EMI पे ले सकते हो, मतलब उसमें सिर्फ आपको कन्वीनियंस फीस देनी है, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पे आपको नहीं देना है। तो इसीलिए जब भी मैं कोई प्रोडक्ट लूँगा अब इसके थ्रू लूँगा, इससे 2 फायदे होंगे, एक तो वो नो कॉस्ट EMI पे होगा, ज़्यादा लगेगा नहीं, दूसरी चीज़ है कि मेरा सिविल स्कोर और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और छोटे मोटे परचेस के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा, जिससे कि मैं टाइमली जब पेमेंट करूँगा तो इससे क्या होगा सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। बात करें इसका अर्निंग के तौर पे आप कैसा यूज़ कर सकते हो दोस्तों, तो आपको इसका यूज़ करना है अगर अर्निंग के तौर पे तो आपको उस पर क्रेड पे ऐड करना है, और क्रेड का एक रेफरल प्रोग्राम है जिसकी अर्निंग आप मेरे साइड स्क्रीन पे देख सकते हो, इसके थ्रू मैंने इतने अर्न करे हैं दोस्तों। तो इसमें आपको मिनिमम 5,000 की FD करानी है। अगर आपके पास 5,000 रुपये भी नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों ये है मेरे पास 1 कार्ड, अगर आप दिखाऊं मैं आपको तो ये देख सकते हो दोस्तों ये 1 कार्ड है, इस पर आप 2,000 रुपये की FD करा के भी अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, आप इसको भी क्रेडिट में ऐड कर सकते हो। मेरा
जो क्रेड में ऐड है इसके थ्रू ही ये है, और मैं अभी 28,000 से ज़्यादा अर्निंग कर मतलब कर चुका हूँ। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है दोस्तों, ये कुछ ऐसे बेनिफिट है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं और हमें सामने से नहीं पता होते, बल्कि हमें ये सब पता है कि हम अगर मूवी टिकट लेंगे तो एक पे एक डिस्काउंट मिलेगा, फ्यूल डलवाएंगे तो उसमें सर्वाइवर चार्ज होगा मतलब मिलेगा, और हर एक स्पेंड पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, वो आप कहीं पे भी देख सकते हो, आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। लेकिन जो मेन बेनिफिट है जो आपको शायद नहीं बताया जाता वो ये है दोस्तों, तो अब हम इसको खोल के देखने वाले हैं कि कैसा दिखता है। अगर आपको अप्लाई करना है दोनों में से कोई भी क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा दोस्तों, और आप इन कार्ड्स को अपने क्रेड में ऐड कर सकते हो। तो क्रेड का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, अगर आप मेरे लिंक से क्रेड को डाउनलोड करते हो और कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करते हो दोस्तों, तो ऐसे केसेस में दोस्तों यहाँ पे आपको 250 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है, और फिर अगर क्रेड के थ्रू आप किसी दोस्त को अपने रेफ़र करते हो 1,000 रुपये तक का हर एक रेफ़र पे आपको मिल सकता है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दोस्तों, देखने वाले हैं कि ये कैसा दिखता है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही उसके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा ले, ताकि जब भी नया वीडियो लेके आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों ये देख सकते हो फ्रंट में कुछ ऐसा दिखता है, 811 के थ्रू आया है। अब ये 811 का अकाउंट क्या होता है दोस्तों, तो ये 0 रुपये का अकाउंट होता है, आपको लाइफ टाइम तक कोई चार्ज नहीं देना है, और क्रेडिट कार्ड में भी ना ही आपको एनुअल चार्ज देना है, ना ही आपको मतलब लेने का चार्ज देना है, कोई भी किसी तरह का चार्ज आपको यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रख के अगर आप इससे कैश निकालते हो तो इस केस में आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन मैं बोलता हूँ कैश पस लिखा लो तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। अब बात कर लेते हैं इसका पीछे का जो व्यू है वो कैसा है, तो ये देख सकते हो ऐसा है। तो अब हम इसको यहाँ पर ओपन करने वाले हैं दोस्तों, और देखने वाले हैं कि इसके अंदर यहाँ पर क्या फ़ीचर है, क्या क्या निकल के यहाँ पर इसमें मिलता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे इस तरीके से, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है दोस्तों वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज हमारी जो 90% ऑडियंस है वो चैनल सब्सक्राइब करके ही नहीं रखती है, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब यहाँ पे कर ले, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर बताऊँ अपनी लिमिट, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ली है, मैंने 9,000 रुपये की FD कराई है, ठीक है ना, और उस पर जो मेरे को लिमिट मिली हुई है वो मिली हुई है दोस्तों 8,100 रुपये की। तो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे लिमिट भी देख सकते हो, आपको शायद दिख रहा हो। तो अब मैं अगर कार्ड की बात करूँ दोस्तों, तो कार्ड मतलब एक नॉर्मल पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको ऐसा कार्ड यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ये शायद प्लैटिनम कार्ड है, प्लास्टिक का ये जो है वो कार्ड है, ठीक है ना। तो प्लैटिनम कार्ड है दोस्तों, डीम डिफरेंट लिखा आता है, आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो अपने जो है ऐप में जाकर के इस कार्ड को, ठीक है ना। और इसमें CRN नंबर लिखा होता है बेसिकली दोस्तों, और आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV नंबर, और यहाँ पे आपका एक्सपायरी लिखा होता है। बात करें इसमें आपको बेनिफिट की बात करें, तो यहाँ पे मैं आपको बेनिफिट भी इसके बता देता हूँ। इसका जो बेनिफिट है मैं आपको साइड स्क्रीन पर भी दिखा दूँगा दोस्तों। 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे जब आप ऑनलाइन स्पेंड करोगे 100 रुपीज़, जो कि ठीक है, आपको कुछ तो वैसे भी जा नहीं रहा आपका। एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा जब आप अदर स्पेंड में करोगे यहाँ पे 75, अगर आप एक साल में, ठीक है ना, 75,000 रुपये स्पेंड करते हो तो आपको 750 रुपये कैशबैक मिलेगा, या फिर 4 PVR की फ्री टिकट यहाँ पे मिलने वाली हैं। कोई मतलब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा जाएगा अगर आप 48 डेज के लिए कैश एडवांस लेते हो, लाइफ टाइम फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं, कोई एनुअल फ़ीस नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट जस्ट 3.50% पर मंथ, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों कुछ बेसिक फीचर। और अगर आपको ये कार्ड चाहिए, आपको अगर इसमें अकाउंट खोलना है दोस्तों, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाके अकाउंट ओपन करें। और अगर आपको यहाँ पे 1 कार्ड चाहिए जिसमें आपको सिर्फ 2,000 रुपये की FD करानी है दोस्तों, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको भी यहाँ पे जो है ले सकते हो। इसमें आपको 2,200 रुपये की लिमिट मिलेगी, मतलब 1 कार्ड में आपको 110% की लिमिट मिलेगी, जबकि इस कोटक के जो कार्ड है जो मेरे को मिला हुआ है इसमें आपको 90% की यहाँ पे लिमिट मिलती है। तो दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे कमाना चाहते हैं दोस्तों,
20 से 30 हज़ार रुपये महीने का कुछ लोग को रेफ़र करके। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, क्रेडिट का लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप इजीली पैसे कमा सकते हो क्रेडिट के थ्रू, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। कुछ डाउट हो अगर आपको इस कार्ड से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, जल्द से जल्द देंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे।